हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, आज सुबह उनको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उनको अलीबाग पुलिस स्टेशन लेकर चली गई है। तो आप लोग काफी लोग सोच रहे होंगे कि अर्नब गोस्वामी ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने सडनली आज सुबह उनको अरेस्ट कर लिया। तो 2018 की बात है, जो एक अनवे नाइक इंटीरियर डिजाइनर थे जिनकी एज 53 ईयर्स थी, उन्होंने 2018 में सुसाइड कमिट किया था और उन्होंने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा था और उन्होंने रिपब्लिक टीवी को एक्यूज किया था फॉर नॉट पेइंग हिम ड्यूज, कि उनके ड्यूज रिपब्लिक टीवी ने पे नहीं किए जिनका चीफ एडिटर है अर्नब गोस्वामी। तो उसने उसके अपने सुसाइड नोट में उनका नाम लिखा था अर्नब गोस्वामी का। तो जो उनकी बेटी है अनवे नायक की, जिन्होंने सुसाइड किया था, जिनका नाम है अदने नायक, उन्होंने होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को ये बात बोली कि मेरे हिसाब से जो पुलिस है उन्होंने ढंग से इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि ये केस री इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो जो अनिल देशमुख है, जो होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने सीआईडी री इन्वेस्टिगेशन बोली इस केस में और मुंबई पुलिस को लगा कि उनके पास सबूत है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ और वो अक्यूज है, तो इसलिए उनको सुबह आके उन्होंने अरेस्ट कर लिया। और ये चीज कब हुई, जब मुंबई पुलिस ने टीआरपी स्कैम में रिपब्लिक टीवी का नाम लिया और जब रिपब्लिक टीवी ने एक्यूज किया मुंबई पुलिस को फॉर मिस हैंडलिंग द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत केस। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी कोई इंसान गलत काम करता है जो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है, तो वो अपनी गलती नहीं मानता। अब यहाँ पे अर्नब गोस्वामी अपने हिसाब से बिल्कुल सही थे, उनको लगा कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में बिल्कुल सही तरीके से बिहेव नहीं किया, चाहे फिर वो बिहार पुलिस हो या किसी और के साथ, चाहे फिर वो कंगना रनौत हो या फिर जो उनका टीआरपी स्कैम में जो रिपब्लिक टीवी का गलत नाम आया, तो उसमें वो जो उन्होंने अपने हिसाब से जो वो बिल्कुल सही थे और उसके बाद जब उन्होंने क्रिटिसाइज किया या अक्यूज किया मुंबई पुलिस को, तो वो वहां पे अर्नब गोस्वामी अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जो मुंबई पुलिस है वहां पे उनको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी कोई इंसान गलती करता है तो अपनी गलती कभी मानता ही नहीं है। अब यहाँ पे अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस को एक्यूज ठहराया, अब मुंबई पुलिस अपनी गलती मानेगी नहीं। ऑब्वियसली बात है कि भाई जो चोर होता है वो अपनी कभी गलती मानता है, वो कभी ये बोलता है कि मैंने चोरी करी है, कभी नहीं बोलता, क्योंकि ये फैक्ट है कि 99 टाइम्स ऑफ 100 पीपल डोंट ब्लेम देमसेल्फ्स फॉर एनीथिंग। तो अब अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस को एक्यूज किया, अब मुंबई पुलिस अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कुछ करने के लिए कुछ तो करेगी, इसलिए उन्होंने 2 साल पुराना केस, जहां पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, काफी बार हुआ भी हूँ, इसलिए उन्होंने 2 साल पुराना केस खुलवाया और अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि अब वो अर्नब गोस्वामी को हर्ट करना चाहते थे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पे मुंबई पुलिस की इतनी बेइज्जती करी, जो परमवीर सिंह है जो मुंबई के महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर, उसकी इतनी बेइज्जती करी, उनको नीचे दिखाया, जो कि अर्नब गोस्वामी के हिसाब से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही थे। लेकिन जो मुंबई पुलिस है, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उन्होंने वहां पे उनको ठेस पहुंचाई अर्नब गोस्वामी ने, तो उन्होंने अर्नब गोस्वामी को अक्यूज करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए, उन्होंने भी उनके टुवर्ड्स 2 साल पुराना केस खुलवाया और उनको अरेस्ट करा। तो इसीलिए कभी भी आपके साथ कुछ भी हो, आपको किसी को क्रिटिसाइज करना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, चाहे आप इसको मानो या ना मानो, कि क्रिटिसाइज करने से सामने वाला ना तो बदलता है, ना अपनी गलती मानता है, और वो ना ही ये सोचता है कि मैंने कुछ गलती करी है। और दूसरी बात यह कि कभी भी किसी को डायरेक्टली आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि तू गलत है। अगर आपको पता भी है ना कि सामने वाले ने चोरी करी और आपने आंखों से देखा है, तब भी आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई तू गलत है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ये बोल दोगे ना दैट यू आर रॉन्ग, तो आप सामने वाले से दुश्मनी क्रिएट कर रहे हो, आपके दुश्मन पैदा होंगे। तो यही अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, उन्होंने अपने चैनल में खूब मुंबई पुलिस को और जो भी उद्धव ठाकरे या अनिल देशमुख का खूब उनकी बेइज्जती करी, उनको डायरेक्टली ये बोला कि तुम गलत हो, तुमने सही तरीके से काम नहीं किया, वो दुश्मन पैदा हो गए, वहां पे दुश्मनी वो अब अपनी निकाल रहे हैं अर्नब गोस्वामी से। तो कभी भी आपको पता है अगर 100% की सामने वाला गलत है, इसने गलती करी और आपने अपनी आंखों से देखा है, तब भी आपको यही बोलना चाहिए कि यार मैं गलत हो सकता हूँ, काफी बार हुआ भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तूने चोरी करी है, तूने गलती करी है। ऐसे करने से आपकी जो स्टेटमेंट है उस पर कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो अपना कीमती फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।